दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही लोगों की समस्या खुलकर सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला जनपद पंचायत गोगावा के ग्राम दसनावाल आमली फालिया का आया है, जहां पर रोड नहीं होने से ग्रामीण बहुत ज्यादा परेशान है, जिससे दसनावाल आमली फालिया के लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर विधानसभा चुनाव से पहले रोड स्वीकृत नहीं होता है तो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव राजेश बर्डे ने जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाया है कि जैसे ही चुनाव आते हैं सभी नेता लोग वोट मांगने के लिए आ जाएंगे। चुनाव में आते हैं, रोड बनाने की बात करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद नजर नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन देते हैं। वहीं सुनील किराड़े ने कहा है कि शिक्षकों और बच्चों को स्कूलों में जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। दिनेश पटेल ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को इस रास्ते को लेकर कई बार अवगत करवाया, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। जहां पर उपस्थित दिनेश पटेल, नेत्राम पटेल, बबलू पटेल, राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा राष्ट्रीय सचिव राजेश बर्डे, सुनील किराड़े, जयमाल पटेल, प्रकाश श्याम बेहला, नरेंद्र मिथुन चाकेश, बालू रतन पटेल, देवीलाल पटेल सहित भरी मात्रा में महिला एवं ग्रामवासी उपस्थित थे। खगोल से भास्कर सेन की रिपोर्ट। हम लोग ग्राम दसनावल से आए, वहाँ पर आमली फालिया हमारा गांव है। आज दुनिया चांद पर पहुँच गई है, लेकिन हमारा गांव में वैसा के वैसा है। हमारे गांव में ना तो रोड है, और जिस तरह से अगर डिलीवरी महिलाएं होती है, वो महिलाओं को भी हमें चार पाई खटिया पे उठा के लाना पड़ता है। इतना खराब रास्ता है। हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि लोग जाते हैं, वो झूठा आश्वासन देते, बोलते हम लोग रोड बनवा देंगे, लेकिन ना तो वो रोड बनवाए है। इसी कारण आज हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, और इस बार हम लोगों ने ये कहा है कि अगर इस बार अगर रोड नहीं बनता तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे। कितने परिवार वहाँ निवास करते हैं? वहाँ पर लगभग 1500 से 1600 परिवार आसपास के गांव, हमारा एक ही गांव निवास है, कम से कम 6 गांव मिले हुए हैं, और 1500 से 1600 परिवार निवास वहां पे करते हैं। लेकिन अभी तक सांसद महोदय के द्वारा भी वहां पे रोड नहीं बनाएगा, ना ही विधायक महोदय, सिर्फ हमें झूठा आश्वासन देता है ये लोग।